देखिए सहज कौन होगा जिसके भीतर कोई मिलावट नहीं होगी। और मेरे बाबा सहज रहते हैं सदैव। सहज अगर बन के रहेंगे, सरल बन के रहेंगे, तो जीवन आनंदमय बना रहेगा। बाबा सहज अवस्था में बैठे आनंद के साथ में मैया भवानी के साथ रहने लगे। बाबा ने आसन बिछाया, बैठ गए अपनी सहजावस्था में। मैया भवानी ने देखा आज बाबा बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे, आज क्यों न चल के मैं इनसे प्रश्न पूछ लूं, अपना जो पूर्व जन्म में मेरा भ्रम संशय रह गया था अब वो चल के पूछ लेती हूं। मैया जैसे दौड़ी अपने स्थान से, बाबा ने देखा आज पार्वती मेरे पास आ रही है। बाबा एकदम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, वाह आज भवानी मेरे पास आ रही है, क्या करने। बाबा ने कहा एक गंगा तो मेरी जटाओं से निकली जो जटाशंकरी गंगा है, पर आज आज पार्वती मेरे मुख से जो राम कथा रूपी गंगा बहाने वाली है, इस गंगा ने तो मात्र संसार में तीन स्थान बनाए, गंग अवनी थल तीन वडेरे, पर पार्वती आज राम कथा रूपी गंगा बहा करके पूरे संसार में यशकीर्ति फैला देने वाली है। राम कथा रूपी गंगा जगह जगह बहने वाली है। आपको गंगा मैया हर जगह मिलेंगी क्या? विदेश में मिलेंगी गंगा मैया? नहीं मिल सकते, पर ये राम कथा रूपी गंगा ऐसी है जो गली गली में बह रही है महाराज। देश से निकल करके ये गंगा आज लंदन की पावन धरा पे बह रही है, और जिसका श्रेय मां भवानी को जाता है जिन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए जिससे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा ही बंद हो जाए। कुछ होते हैं ना देख के जलने वाले, तो कुछ भी प्रश्न करते रहते हैं, और उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि इनको देखते हैं कितना नॉलेज है। उनको सत्संग से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपमानित करने से मतलब है। कुछ लोग तो ये भी नहीं पचा पाते कि इतने कम आयु में कोई कथा कैसे कर रहा है, अब मुझे कैसे अपमानित करना है, तो लोग ढूंढ ढूंढ के दिमाग लगा लगा के प्रश्न लाते हैं। किसी ने कथा में पूछा, महाराज एक बात बताओ, एक चीज समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती? का पूछूं? पूछिए। का सूर्पणखा के मरने के बाद उसकी संपत्ति का क्या हुआ? अब बताओ उस समय का हमने लिखपाल बिठा रखा है जो उसकी संपत्ति का लेखा जोखा हम रखे? राम के विषय में चर्चा नहीं, उसकी संपत्ति कहां गई, ये भी कोई प्रश्न है। प्रश्न तो मां भवानी ने किया बाबा से, प्रभु अगर आप मुझे सत्य में अपनी दासी मानते हैं तो मुझ पर कृपा करिए। क्या करे? मैया भवानी कहती है कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि और जानिया सत्य मोही निज दासी। अगर सत्य में अपनी पत्नी मानते हैं, अपनी दासी मानते हैं, मुझ पर कृपा करिए प्रभु। पूर्व जन्म में हमने आपसे विवाद कर लिया था, झगड़ा कर लिया था, पर इस जन्म में आपसे विवाद नहीं, संवाद चाहती हूं। अगर अपनी दासी मानते हैं तो प्रभु हारा हूं मोर अज्ञान कही रघुनाथ जी की कथा कहिए, रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। प्रभु मेरे मन में संशय है, दो राम को मैंने देखा, जानती हूं मैं। एक राम जो सीता मैया का हरण हुआ, जिसने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। एक राम तो वो है जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, पर एक राम और है जिनका नाम स्वयं आप, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती, स्वयं आप दिन रात लेते रहते हैं, जो संत महात्मा परमार्थ पथ के पथिके वो लेते रहते हैं। प्रभु मैया कहती हैं कि प्रभु जे मुनि परमारथ
जो परमार्थ पथ के पथिक हैं, वो सदैव भगवान राम का नाम लेते रहते, प्रभु ये राम अलग अलग हैं या एक ही हैं? राम जी का जन्म कैसे हुआ, बाल लीलाएं कैसे हुई, विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार राजा बनते बनते वन में चले गए, किस प्रकार 14 वर्ष तक वन लीला की, किस प्रकार अयोध्या जी आए, किस प्रकार राज्याभिषेक हुआ, किस प्रकार अंत में कितने वर्षों तक राज्य किया, किस प्रकार अंत में अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। अब प्रभु ये जितनी कथा हमने कही ना, इसमें से अगर कोई छूट भी गई हो तो वो भी कह डालिए। जैसे ही मैया ने पूरा चरित्र कहा, बाबा शंकर के हृदय में रामचरित्र विराजमान हो गया। बाबा 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए, 2 दंड के लिए ध्यान में अर्थात 48 मिनट, 48 मिनट बाबा ध्यान में उपस्थित रहे। बाबा ने सोचा अगर मैं ध्यान में आनंद लेता रहा तो पार्वती जो जगत का कल्याण कराने जा रही है वो नहीं संभव हो पाएगा। बाबा तुरंत अपने आनंद का त्याग किए। जीवन में अगर किसी को आगे बढ़ाना होता है तो पहले में खुद तपना पड़ता है, तब कोई जाकर के समाज में प्रस्तुत होता है। यहाँ आप कथा मेरी सुनते हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, बड़ी दिव्य कथा हुई, बड़ा दिव्य भजन हुआ, पर उस भजन को सजाने में, मुझे आगे बढ़ाने हमारे भाई लोग बैठे हैं। ये भैया लोग अगर नहीं बजाते तो कथा अच्छी नहीं लगती शायद, है कि नहीं? भजन सादा सादा लगता, हमारे भैया लोग मेहनत करते, हमसे पहले आके बैठ जाते, हमसे बात तक बजाते रहते, तो किसी को आगे बढ़ाने में पीछे से किसी ना किसी का बैक सपोर्ट होता है। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैं आनंद लेता रहा तो ये आनंद जो दुनिया को देने वाली ये नहीं मिल पाएगा। बाबा ने तुरंत ध्यान को छोड़ा, बाहर आए, भगवान का नाम संकीर्तन किया। और ध्यान दीजिए, यहां पर सत्संग प्रारंभ हुआ, किसके बीच में? 2 लोग हैं मात्र, यहां तो इतने लोग बैठे हुए हैं पर यहां पर कैलाश में मात्र 2 लोग हैं। और वो 2 लोग हैं कौन? एक पति, दूसरी पत्नी। गृहस्थ जीवन जीना हो तो बाबा से सीखिए। यहां विवाह होते ही हम जाते हैं घूमने के लिए कुल्लू मनाली, है ना? पर बाबा से सीखिए। बाबा कहते हैं अगर जीवन की शुरुआत करनी हो तो रघुनाथ जी से करो, भगवान की कथा से करो। घूमना तो जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन जिसके जीवन की शुरुआत, जिसके गृहस्थ जीवन की शुरुआत भगवान की कथा से होती है, फिर वो सीख जाएगा कि हमें जीवन जीना कैसे है। शंकर जी ने राम जी की कथा सुनाई मैया को, क्यों सुनाई? क्योंकि मैया सीख सके कि हमें हमारा गृहस्थ जीवन कैसे लेके चलना है। और ये प्रमाण है कि भगवान शंकर माँ पार्वती का प्रेम अद्भुत रहा, उनके जैसा गृहस्थी संसार में कोई नहीं हुआ।